राजधानी रायपुर में 21 सितंबर को लगे लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। लॉकडाउन को जारी रखना है या नहीं, इस बात के फैसले के लिए मंत्री रविंद्र चौबे के घर पर जिला स्तरीय बैठक बुलाई गई और कोरोना का लेकर राजधानी रायपुर की स्थिति पर मंथन किया गया, जिसके बाद आज रात 12 बजे ही लॉकडाउन को खत्म करने की बात पर फैसला लिया गया। लेकिन मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बात को साफ कर दिया कि लॉकडाउन हो या ना हो, लोगों को सतर्क रहना होगा और गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करना होगा। स्व-अनुशासित होकर जनता ने इसको खूब प्रशासन की मदद की। आज जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हमने बैठक की, उनकी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक संक्रमण का दौर अभी कायम है, लेकिन थोड़ी गति कम हुई है। अगर इसी प्रकार से जनता जागरूक रहेगी तो कोरोना से निपटने के लिए हम लोग सक्षम और सफल हो पाएंगे। कैसा रहेगा 29 सितंबर से राजधानी रायपुर का हाल? सभी दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की छूट मिली है। होटलों को होम डिलीवरी के लिए 10 बजे तक की छूट रहेगी। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार और जिला प्रशासन की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। आज रात्रि 12 बजे के बाद रायपुर शहर अनलॉक हो जाएगा। मंत्री रविंद्र चौबे के निवास में बैठक हुई जिसमें पुलिस अधिकारी एवं जिला कलेक्टर जितने भी अधिकारी हैं सभी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि रात्रि 12 बजे के बाद रायपुर शहर को अनलॉक कर दिया जाएगा। कुछ नियम बदले गए हैं। अब दुकानें एक ही टाइम पे खुलेंगी, सुबह छः बजे से रात्रि 8 बजे तक दुकानें खुलने का समय निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरी ओर एक बात जो बैठक में महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है और निर्णय लिया गया है कि जो लोग जो बिना मास्क के और जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका जो पालन नहीं किया जा रहा था, उसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जो लोग ऐसे नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अरुण के साथ रोहित वर्मा, NTCP न्यूज़, रायपुर।